वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इस समय आप खड़े हाँ गुरद्वारा साहिब किला होलगढ़ साहिब। मनिया जाता है कि इस स्थान को श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने सन 1701 दे विच होले महल्ले की शुरुआत की। इस दे संबंध में कुछ एक विचार आप जी दे नाल सांझे करने हैं। सब तो पहली विचार यह है कि गुरु साहिबान जी ने भारतवर्ष दे विच जो कई तरह दियां घटिया रीतां रस्मां चल रही सन उन्हां नूं खत्म करके उन्हां दी थां ते बड़ी चढ़दी कला वाले दिहाड़े कौम नूं मनुखता नूं बख्शिश कीते हन। इन्हीं दिहाड़ियां दे विच इक दिहाड़ा है होले महल्ले दा दिहाड़ा। भारत दे विच होली मनाई जांदी सी जिस दे विच कई तरह का इतिहास आउंदा है, कुछ मिथ्यास आउंदा है, पर कुल मिला के जो लोकी होली मनाउंदे सन एक दूजे दे उपर रंग सुटना, कई वारी ते गंद मंद भी सुटदे सन, जां नौजवान लड़के लड़कियां अश्लील हरकतां करदे सन जिस दे नाल समाज दे विच दिन प्रति दिन घटियापण आउणा, नीवापण आउणा, यह सारा कुछ चल रहा सी। दशमेश पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जो बाणी दे विच लिखिया है, गुर महाराज जी जो दातां दे रहमतां दे मालक हन, सतगुरु महाराज जी का वचन है, गुर पारस हम लो मिल कंचन हुआ राम। गुरु जेड़ा है पारस की तरह, जिवें पारस लोहे नूं सोने विच बदल दिंदा है, उहदी कीमत बदल दिंदा है, उहदी वैल्यू चेंज कर दिंदा है, एदां गुरु साहिब जी दी शोह दे नाल इस दुनिया दी संसार दी लोकां दी एक वक्री कीमत हो गई। कलगीधर पातशाह महाराज जी ने होली दे इस घटिया दिहाड़े नूं चढ़दी कला दे विच बदलिया ते सानूं होले महल्ले दी दात बख्शिश कीती। हुण होला महल्ला की है? होला महल्ला है एक थां तों हल्ला करके दूजी थां दे उपर कब्जा करना। दसवें पातशाह महाराज जी ने एक इस तरह बख्शिश किया, सतगुरु महाराज जी सिंघां दे दो दल बना दिंदे सन, जो कि एक टारगेट दे दिता जांदा सी कि एक दल ने इस जगह पर कब्जा करना है, दूजे दल ने कब्जा करन नहीं देना। इस तरह आपस दे विच जंग हुंदी, उस जंग दे विच जिहड़ा कब्जा कायम रख लैंदा जां दूजा कब्जा कर लैंदा जित जांदा, भाव तां कलगीधर पातशाह महाराज जी उन्हां सिंघां नूं इनाम दिंदे, ते जिहड़े उस वेले कब्जा रखण दे विच जां ना रखण विच कामयाब ना हुंदे उन्हां नूं कहिंदे अगले साल होर तैयारी करके आए, शस्त्र विद्या की तैयारी, घोड़सवारी की तैयारी, ता जो तुहाडे अंदर वीरता पैदा होवे, अपने हक्कां लई जूझण दा, टीम वर्क करन दा, समाज दे लई कुछ करन दा एक उत्साह पैदा होवे। इस तरह सतगुरु जी ने यह दिहाड़ा नवे तरीके नाल सिरजिया, ते दे नाल एक होर भी गल की, गुरु साहब जी सोहने दस्तारे सोहने शस्त्र सजाने वाले सिंघां नूं इनाम दिया करते सन। सो होले महल्ले की जिहड़ी यह गुरु साहब जी ने इतिहासक दिहाड़े की आरंभता की, यह की सन 1701 दे विच। 1701 दे विच होला महला मनाया गया, तो उस होले महल्ले के दिहाड़े के उपर गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी ने चढ़दी कला के प्रतीक ये सारे कुछ सिख कौम दे बख्शिश किया, सिख कौम ते रहमत करके दातां बख्शिश कीतियां। पर इहदे नाल ही गुरु महाराज जी ने इस गल का विशेष ध्यान रखा कि यह जिहड़े दिहाड़े हैं ये गुरु के लड़ लग के मनाए जाने चाहिए हैं। इस करके होले महल्ले के दिहाड़े पर श्री अखंड पाठ साहब होंदे हैं, साहिब पाठ साहब होंदे हैं, संगतां नितने पाठ जाप करदियां ने, आई गई संगत दे लई सेवा लई लंगर प्रसादे चलाए जाते हैं। सो सानू भी चाहिए कि इन्हां दिहाड़ियां की पवित्रता नूं कायम रखा जाए, तो जिस मकसद ने यह दिहाड़े गुरु साहब ने आरंभ किए सी आपां उस ही भावना के नाल इन्हां दिहाड़ियां नूं मना के गुरु की बख्शिशां के पात्र बनीए। अज आपां खड़े हाँ गुरद्वारा किला होलगढ़ साहिब, यह स्थान है जिथे मन्या जांदा कि गुरु साहब जी ने होले महल्ले की आरंभता की है, पर यह भी मन्या जांदा कि गुरु साहब जी ने जो आनंदपुर साहब के आले दुआले पांच विशेष किले बनाए, तो उन्होंने एक किला जदों होलगढ़ साहब का बनाया तो गुरु साहब जी ने इस किले का नाम ही होले महल्ले की याद में रखा है। सो इस तरह भी मन्या जांदा है। सो यह स्थान की सब तो पहला जिहड़ी सेवा हुई है गुरद्वारा किला आनंदगढ़ साहब के जिहड़े महात्मा जी हैं कार सेवा वाले बाबा जी, बाबा सेवा सिंह जी, बाबा भाग सिंह जी, उन्होंने करवा के स्थान श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जी ने सौंपया। हूँ श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है सारे स्थान नूं तुसी देख रहे हो कि पुरातन किलियां दी दिख देने की कोशिश कर रही है, ता जो उस पुराने इतिहास में आप याद कर सकीए, वो पुराना इतिहास अपने मन दे विच जो आप इत्थे दर्शन कर आईए, वो यादा वो सिमरतियां साढ़े चेते चाहन, असी गुरु के होर नेड़े हो सकीए। सो होले महल्ले का संखेप इतिहास आप जी के साझा किया, उम्मीद है
आप जी जरूर प्यार बख्शिश करोगे, लाहा लवोगे, होइयां भुल्लां चित्तां दी खिमां। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।